तो इस सदन में होते हैं, बहुत दिन भी नहीं हुआ है, जो विधायकों को पीटा गया घिसेट घिसेट के पुलिस से, मार्शल से नहीं। और देश में सबसे ज्यादा शराब से मौत यूपी में हुई है, जो इन्होंने आचरण किया है। मौत चलिए हो गया, माननीय सदस्य सुनिए, पूरे सदन के लिए लागू है महोदय, तो यह मामला आप खेद अगर नहीं प्रकट करते हैं महोदय, तो यह आचार समिति को जाना चाहिए। ये जिस समय मैं सूचना के सवाल पर खड़ा था और निंदा प्रस्ताव की मांग कर रहा था कि जरासंध हमारे बिहार के अस्मिता के प्रतीक हैं, उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने जिस तरह का आचरण पेश किया है और खास करके विपक्ष के नेता द्वारा जिस तरह की बात अभी चर्चा हो रही है, अगर सदन में खेद प्रकट नहीं करते हैं तो जो अपने यहाँ आचार समिति है, आचार समिति को इस मामले को दे दिया जाए। माननीय सदस्य सुनील, परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली क्या केवल हम ही लोगों पर लागू है? क्या नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लागू नहीं होता है? आज महोदय हमारे पूर्व के जो निवर्तमान सभापति जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको स्मरण होगा और हमारे नेता प्रतिपक्ष काफी सुलझे हुए दिखते हैं और हम लोगों ने इनका तो काफी सम्मान भी किया जिस दिन ये नेता प्रतिपक्ष हुए इस सदन में, कि भाई एक सुलझे हुए व्यक्ति बने। और आज जो लोगों ने देखा, जो लाइव पूरे बिहार की जनता ने देखा, जिनके समस्या को हल करने के लिए सभी माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, और किस तरह से इस आसन का इन्होंने अपमान किया है, इस पूरे सदन का अपमान किया है, पूरे बिहार के जनता का अपमान किया है, और महोदय जिस तरह से इन्होंने पर्चा फेंका आसन की ओर, यह कतई क्षम्य नहीं है। महोदय हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो इसका जो नियमावली आचार समिति के नियम के 290 के कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है महोदय, कि जो आसन के प्रति इन्होंने असम्मानजनक व्यवहार किया है, अशोभनीय किया है, इसको हम लोग पूरे शर्मसार हैं, जितने माननीय सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, सभी हम लोग शर्मसार हैं। और हम अनुरोध करना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से, सदन की ओर से, कि इस मामले को निश्चित रूप से आचार समिति को रेफर करना चाहिए महोदय, और इनको तुरंत। अभी जो सभापति जी उठे हैं, सिंपल एक पर्चा दिखाने पर, हम तो रोज का घटना देख रहे हैं महोदय, कि इतने बड़े बड़े लोग पोस्टर ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या चीज का ला रहे हैं, अपने किस कार्यों के सफलता का ये पोस्टर ला रहे हैं, और वो पोस्टर दिखा रहे हैं, और कोई सदन इतने दयालु है, आसन इतना दयालु है इनके प्रति, कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है महोदय। सिंपल पर्चा दिखाने पर हमारे ऊपर दो बार निलंबन की कार्रवाई। मान्य अध्यक्ष, ये अपने नियम हो गया, बात समझ लिए, बात समझ लिए, बात लोकसभा माननीय सदस्य सुनील भाई, ये आचरण है। माननीय सदस्य सुनील जी बैठ जाए, माननीय सुनील बाबू, माननीय सदस्य सुनील जी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, यही आचार संहिता है। माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पर माननीय सदस्य बैठ जाए, सुनील बाबू बैठ जाए, नहीं माननीय सदस्य बैठ जाए। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष में भी जाकर के आपकी आवाज नहीं, बल्कि आदत नहीं बदली, आप उसको सुधारिए, मेरा आग्रह, इसको सुधारिए। हम लोगों ने पर्चा नहीं ले लिया, माननीय माननीय संसदीय कार्य मंत्री, हम लोग कभी भी नहीं, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, माननीय मंत्री संसदीय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष विजय चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों से कह रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात आग्रह करता हूं, हम आप ही भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, यहाँ कई दिनों से चर्चा होने की बात हो रही थी, मिलकर चर्चा नहीं हुई। माननीय सदस्य नौ, सभापति महोदय, ये सदन कार्य संचालन नियमावली और भारत के संविधान दोनों से चलता है महोदय, और लोकसभा राज्यसभा के उदाहरण से भी उद्धृत होते हैं, और पुरानी परंपराओं के आधार पर भी ये सदन चलते हैं,
और चलता आया है महोदय, और हम लोग सदन में देखते भी हैं। सम्राट चौधरी जी ने कहीं से जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आपको आपके आसन पर कोई कागज फेंकने का इंटेंशन नहीं, वो कागज बेल में इस तरह किए स्लीप करके गिर गया महोदय आपसे, और नीचे बेल में गिरा महोदय। महोदय महोदय आज जो अलग नहीं सुनील जी महोदय महोदय जब बोल रहे थे ऐसा नहीं करे, हो गया बोलिए महोदय। इस सदन में पिछले 26-28 वर्षों से मैं हूं, इसी सदन में ये टेबल पलटे जाते थे, इसी सदन में, और उस सदन में तो पुलिस को घुसा के विधायकों को मारा गया, इस सफाई के कौन बात है। लोकतंत्र में तो इस सदन में होते आए हैं, बहुत दिन भी नहीं हुआ है, जो विधायकों को पीटा गया घिसेट घिसेट के पुलिस से मार्शल से नहीं, मैं उसके तरफ मैं नहीं ले जाना चाहता हूं। और कार संचालन नियमावली की बात कर रहे थे सुनील जी, आप कार संचालन के नियमावली के एक एक अंश को आप लागू करेंगे तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, हम भी आपके आसन हमारे लिए भी है उनके लिए भी। और बहुमत के आधार पर अवधेश बाबू जो कह रहे थे महोदय, मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर मावलकर साहब ने कहा है सच्चे लोकतंत्र, आप देख लीजिए कुटकुटाहट बढ़ने लगा महोदय, सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, बात करने दीजिए महोदय। लोकतंत्र के तकाजा में जो प्रथम जो स्पीकर थे उन्होंने कहा है सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों विनियमों अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। जो आज लोकतंत्र के सच्ची भावना के लिए शराब पर मरे हैं उनकी संवेदना लेके आए हैं महोदय। यदि इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यदि संसदीय सरकार कार्य केवल उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके मतों की गिनती तक ही सीमित रखा गया तो इसका चला पाना संभव नहीं होगा, सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है, नहीं होगा। यदि हम केवल बहुमत के आधार पर कार्य करेंगे तो हम फासिज्म हिंसा और विद्रोह के बीच जाएंगे। अगर जनसंख्या पर ये प्रथम जो वहां के अध्यक्ष थे स्पीकर थे उनका है, विद्रोह के बीज बोएंगे, यदि इसके विपरीत हम सहनशीलता की भावना स्वतंत्र रूप से चर्चा की भावना और समझदारी की भावना का विकास कर पाएंगे तो हम सही लोकतंत्र की भावना को इस्तेमाल करेंगे सदन में। महोदय कार्य संचालन नियमावली और यह कहना जबरदस्ती किसी तरह इस लोकतंत्र में तो पूरे दोनों सदन के इतिहास को उठा, बहुत सीनियर लोग हैं, विजय चौधरी जी भी सीनियर हैं और मुख्यमंत्री जी तो सबसे सीनियर हैं इस सदन में, और उस सदन में जहां बहुत लोग एकत्रित होते हैं महोदय, और सम्राट चौधरी जी को और किसी माननीय सदस्य को आसन से कोई ग्रीवांसेस नहीं हो सकता है। आप हमारे अभिभावक हैं, अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो आपको ऐसा ही एक गरेरिया के तरह कि एक गरेरिया 100 भेड़ी को चराता है महोदय, और एक भेड़ छूट जाता है कहीं तो वह 99 भेड़ को एक जगह देखता है तो छोड़ के और छूटा हुआ भेड़ को लाने जाता है, और जब वो भेड़ को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लाता है तो उस भेड़ को कंधा पर लाता है, उसको चला के नहीं लाता है, उसको मारता नहीं है, और जब गरेरिया से पूछता है कि इसको जो छूट गया था उसको कंधे पर ला रहे हैं तो वो कहता है ये कमजोर हो गया है भटक गया था, हम इसके अभिभावक हैं, अभिभावक भटकने वाले लोग पर ही नजर रखते हैं महोदय, इसलिए आप अभिभावक हैं, किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता है। और अन्य ससरी जो इल्जाम दे रहे हैं, और लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत के आधार पर
भावनाओं नहीं मान्य सदस्य, यहाँ बहुमत की कहाँ कोई बात हो रही है? इसलिए ये बात बहुमत की बात कहाँ हो रही है? कहाँ कोई मतदान हो रहा है? क्या हो रहा है? हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, आप आदरणीय है, लेकिन जो लोग इस तरह के इल्जाम लगा के भटकाना चाहते हैं सदन को, मैं उसको कंडेम करता हूँ। चलिए माननीय, हो गया माननीय, सुनी लो, हो गया माननीय, सुनी, सब यह है कि सदन का गरिमा बरकरार रहे, आसन का गरिमा बरकरार रहे, तो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष खेद प्रकट करते हैं या नहीं, सवाल इसका है। आज सवाल इसका है महोदय, सवाल इसका है महोदय कि क्या यह नियमावली केवल हमें आगे इनके ऊपर भी लागू है? लोकसभा अगर महोदय अगर यह पूरे सदन के लिए लागू है महोदय, तो यह मामला आप खेद अगर नहीं प्रकट करते हैं महोदय, तो यह आचार समिति को जाना चाहिए कि नहीं महोदय? बैठ जाइए सुनिए, हो गया बात, आपने कह दी महोदय, संक्षिप्त में लोकसभा के प्रथम स्पीकर का जो मिसाल दे रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं माननीय सदस्य, वही लोकसभा से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है, उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, जाने कौन कौन चाह, नहीं नहीं इनका इनका आचरण क्या लोकसभा राज्यसभा चलने दे रहे हैं क्या? पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, माननीय सदस्य कारी जी गलत नीति के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर सीबीआई, ईडी या इलेक्शन कमीशन को मिला करके जो विपक्ष को दबाया जाता है, उनके यहाँ छापामारी की जाती है और उसी को पढ़ रहे हैं क्या? अपने हो गया माननीय सदस्य कारी, अपने नेताओं को तो बताए माननीय सदस्य कारी, हो गया माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, और जिस माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य प्रमोद बाबू जरा अनुमति लेके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेहरबानी करें माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय सभापति महोदय, जीवन अपनता शक्ति दे, इसके लिए हम लोग मौन धारण करेंगे। महोदय महोदय, ये देखिए गुजरात में 57 लोगों की मौत 4 महीना पहले जहरीली शराब पीने से हुई थी, क्या वहां के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया? ये देखिए, ये हिंदुस्तान खबर है, मैं नहीं कह रहा, और देश में सबसे ज्यादा शराब से मौत यूपी में हुई है, जो इन्होंने आचरण किया है। चलिए हो गया, माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।